এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম। গতিকে এই চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। গতিকে এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক। पहले चरण देवता को प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सबको मंगल हो। मंच में उपस्थित तो जो असम आदिवासी छात्र संस्था के सभापति और मेरे मित्र पनिकर जी, मंच पे हमारे दुस्वामी डांगरिया गौरपति डांगरिया আমার জি সকল এসপিবৃন্দ আছেন, আমার বিজেপির যুবিধান মন্ডলের সভাপতি হিমাংশু দেবনাথ ডাঙ্গিয়া, তুলসীগা আরও ছাত্র সংস্থার একজন ব্যস্ত নেতা লক্ষিমপুরেরপরা আছে জোসেফ ডাঙ্গরিয়া কেন্দ্রীয় সম্পাদক, আরও প্রত্যেকজন আদিবাসী ছাত্র সংস্থার যে সকল কর্মকর্তা আছে, মই আপোনাক শুভেচ্ছা জানিছো। আৰু প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছো যে আসামৰ পহচান আদিবাসী হয়। কিয়? কিন্তু পুৰা বিশ্বকল চাই বুলাতা যদি হম লণ্ডন ভি যাতে হ্যাঁ, আমেৰিকা ভি যাতে হ্যাঁ, যদি চাইনা ভি চলা যায়, ওহাঁ আসাম কা চাই বিকতা হয়। আর উস আসাম চাই কে লিয়ে আপ সবকো ধন্যবাদ, কিউকি আপ লোগ উগাতে হো পুরে আসাম মে, और आसाम का नाम आपने प्रतिष्ठा किया पूरा दुनिया में, इसे आप सबको धन्यवाद। लेकिन ये बात सच है जो अभी वक्ता जो बोलते गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के कार्यक्रम में जब आप इस तरह से मार्गदर्शन दिया है, एक जाति का उत्थान होता है। पूजा किए, आनंद हुआ, लेकिन एक सूचना भी जाना चाहिए जाति के उत्थान के लिए। और ये हकीकत है कि आदिवासी पिछड़ा है, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से ये हम देखते आए हैं कि हफ्ता में वो बाजार बैठता है और उसी दिन उनको तनख्वाह दिया जाता है और बाजार में पैसा खत्म करके फिर घर पहुंचना है, जिससे कि अगले दिन वापस गार्डन में पहुंच जाना है। तो जब हाथ खाली हो जाएगा तब काम होगा। लेकिन इस जो पॉलिसी में जिस तरह से ब्रिटिश ने काम कराया था उससे काफी क्षति भी हुआ है। गार्डन में तो काम अच्छा हुआ है, लेकिन जाति का काम थोड़ा काम हो गया, क्योंकि लोग पीने में लग गए, मौज मस्ती में लग गए। इसलिए आज जो एक दादा ने बोल के किया है कि एक जाति को बचाने के लिए कई चीजें हैं जिससे हटके रहना पड़ता है और अच्छे चीजों को पकड़ना पड़ता है, तभी जाके एक जाति आगे बढ़ता है। आज मैं आपका विधायक हूं यहाँ पे। यहाँ टी गार्डन वैसे है नहीं, लेकिन एक्स टी गार्डन के लोग बहुत हैं। एक हमारे मित्र वर्ग भी यहाँ है, ओम प्रकाश करता कि नहीं, आदिवासी के लिए काम करता कि नहीं? ओम प्रकाश नहीं करता तो ठीक से पकड़िए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो कुछ आता है आपके लिए आता है, आप तक पहुंचना है, और मुझे विश्वास है वो कर रहा है, हमें बताना भी रहता है। एमएलए पॉइंट में एक सुधीर स्कीम है, पिछला साल हमने अधिक पैसा, ज्यादातर पैसा मैंने मेडिकल के लिए दिया था। मैंने ये सोचा कि जो लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, गरीब लोग हैं, जो हॉस्पिटल में जाके अपने खर्चा नहीं उठा सकते हैं, अपने बीमारी का इलाज नहीं करा सकते हैं, उनको मैं अधिकतर पैसा दिया था। लेकिन इस साल मैंने तय किया है कि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको अधिक पैसा दूंगा, क्योंकि अभी मेडिकल फैसिलिटी के लिए सरकार की तरफ से कई स्कीम आ चुका है, अटल अमृत योजना आ चुका है और भी जनता स्कीम्स आ चुके हैं। इसलिए जो गरीब बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हाई सेकेंडरी और उसके ऊपर, उनके लिए हम पैसा देंगे। और आदिवासी छात्र यदि इस तरह का है जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है, आप लोग अप्लाई करिए, मैं जरूर आपको उस फंड से पैसा दूंगा आगे आपका पढ़ाई के लिए। डेवलपमेंट के लिए
ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में सोचता नहीं हूं। प्रधान काम रास्ता का है और आज हुजाई में रास्ता का संकट है। पिछले 20 सालों में हमने देखा कि रास्ता का काम ढंग से नहीं हुआ। हमारे सामने में जो रास्ता है, आपके सामने जो है, इसके हालत जो है पिछला 20 साल में बहुत खराब हो चुका है, लेकिन अभी ये बन के आ रहा है और मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता होने वाला है। शंकरदेव नगर से जो शंकरदेव नगर होते हुए तेजूर तला तक आएगा और जोरापुरम से एकदम ये रास्ता भुजाई तक जाएगा, एक लाइफ लाइन आपका बन रहा है। और उसके ऊपर जितने पंचायत एरिया में रास्ता है उनको हम ब्लॉक में ले रहे हैं। अभी HDPC रास्ता हम लोग ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ बारिश के समय रास्ता फिर खराब हो जाता है, फिर लोग गाली गलौज करते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम रास्ता ब्लॉक में, सीमेंट ब्लॉक में लेने के लिए, पेवर ब्लॉक में। और मुझे विश्वास है कि 20 तक, ज़्यादा नहीं कहूँगा 20 तक, बहुत सारे रास्ता आपके बन चुके होंगे। क्योंकि एक बार रास्ता बन जाएगा तो सबको आने जाने में सुविधा होता है, हॉस्पिटल में भी जाने के लिए सुविधा होता है। और हॉस्पिटल का भी आपको पता है, आपके सामने भी बन रहा है, शंकरदेव नगर में टेंडर भी हो चुका है, अलॉटमेंट भी हो चुका था, लेकिन फिर किसी ने कोर्ट में मूव किया तो थोड़ा सा अभी टूटा हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द उसका जितना भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है सब आ चुका है, IIT से सेंक्शन भी आ चुका है। अभी सिर्फ हम लोग इंतजार में है कि कब जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए। तो जब शंकरदेव नगर में ये हॉस्पिटल बनेगा तो आप सबको बहुत आसान हो जाएगा। खैर आज त्योहार का दिन है, ज़्यादा डेवलपमेंट होते जाएगा, भगवान का दया है, कृपा है, तो अच्छा काम होगा। और पिछले से पिछले साल जब भालुकमारी में भी कर्म पूजा हुआ था तो वहाँ मैं गया था, वहाँ भी बहुत एंजॉय किया, कल्चरल प्रोग्राम उग्राम भी हुआ था, तुलसी दा को पता होगा। यहाँ भी आप कुछ नाच गाना वाना कुछ कर रहे कि नहीं? मैं तुलसी दा गाना वाना गाएंगे कि नहीं? ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा देखूँगा, आप सब लोग इससे आनंद लीजिए। और मैं फिर से भगवान को प्रार्थना करता हूँ, और जैसे कहा गया है कि पेड़ पौधे को पूजा करना बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि एक पेड़ बचेगा तो मनुष्य बचेगा। और ये हिंदू सनातन धर्म में है, इसलिए हर व्यक्ति जो हिंदू सनातन धर्म को विश्वास करता है वो पेड़ को पूजा करता है, और पेड़ से सब कुछ हम लोगों को प्राप्त होता है। आज हमारा सांस भी दौड़ रहा है तो इस पेड़ की वजह से सांस दौड़ता है, इसलिए इसका पूजा करना, इससे आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। सबको मैं मंगल कामना करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कुशल मंगल रहे, स्वस्थ आपके अच्छा रहे और आनंद उल्लास में रहे। धन्यवाद। धन्यवाद हमार सम्मानीय विधायक श्रीजोत शिलादित्य देवडांगरिया, तथे तो हमार बहुमूलिया जीखिन समय नष्ट आम अनुष्ठान साफल्यमंडित कर जीखिन समय दिले और जीखिन परम देवतार ऊर प्रार्थना जाना आमार उन्नति तथा शिक्षा दीक्षार क्षेत्र आगे जाने जीखिन प्रेरणामूलक बक्त्य रखे तक मैंने धन्यवाद जाना।